प्रदेश विधानसभा में सीधी बस हादसे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मच्छर पर जमकर सियासत हुई। चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उस मच्छर को ढूंढ रही है जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को निलंबित होना पड़ा। उस मच्छर को ढूंढकर बकायदा उसका नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा। पीसी शर्मा ने इस बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मच्छर मक्खी मारने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर मसले का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है। ये भी कहा है कि इतने गंभीर विषय पर सार्थक चर्चा करने की जगह उसे हल्का कर रही है कांग्रेस। एक मच्छर के मुख्यमंत्री को काटने पर पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर सस्पेंड हो सकता है, तो मैंने कहा कि भाई हम तो उस ढूंढ रहे हैं उस मच्छर को, उसका नागरिक अभिनंदन करेंगे कि मंत्री और विधायक ये तो सस्पेंड करा नहीं पा रहे, तुमने बड़ा दम मारा काट के और सस्पेंड करा दिया, और आप लोगों के कैमरे में कहीं मच्छर मिल जाए तो कृपा करके वो हमें दें तो उसका नागरिक अभिनंदन करें। मैंने क्या कहा कि ये सब बातें मैं मुंह पे भी लाऊंगा तो मेरे लिए हल्का रहेगी, ये आपकी गरिमा को गिराती है, मजाक नहीं है। विधानसभा सबका हमारा चुनावा एक मंदिर है लोकतंत्र का, और ऐसे में माननीय पीसी शर्मा जी जैसे गंभीर व्यक्ति को इस टाइप की बात कहना, मच्छर से घटना घटती है, तो ये इस प्रकार के फिल्मी डायलॉग से राजनीति नहीं करते हैं। वो एक तरह से जिन हादसों में जिनके घर पे गमी हुई है उनके साथ कौन सा खिलवाड़ करना चाहते हैं, मजाक होगा अगर ऐसी बात कहेंगे। वहीं विधानसभा में सीधी बस हादसे को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया था और सरकार के जवाब से विपक्ष नाराज नजर आया। दरअसल चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने बस हादसे का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि 50 सीटर से कम क्षमता वाली बसों को लंबी दूरी का परमिट नहीं दिया जाए। गोविंद सिंह परिवहन विभाग के अमले की संख्या बढ़ाने की मांग भी करते हुए नजर आए। पीसी शर्मा ने कहा कि हादसे के मामले में सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के बजाय न्यायिक जांच का ऐलान किया था। इस पर सीएम शिवराज ने कहा कि उन्होंने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस पर राजनीति का आरोप लगाया। बस हादसे के बाद मौके पर कौन पहुंचा, इसे लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई। घटना की मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रियल के जांच के आदेश दिए थे और जांच के उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस का ड्राइवर अभी जेल में है और उस पर गैर आत्मन अपराध और हत्या का प्रयास जैसी धारा 31 के भी धारा उस पर लगाई गई है। बस के मालिक पर भी कार्रवाई की गई है, तो कहीं से भी सरकार ने इस घटना पर अपनी तरफ से कमी नहीं रखी। सरकार का जवाब गैर जिम्मेदाराना था जिसकी वजह से कांग्रेस विधायक दल ने ये तय किया कि सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया है। जो भी हमारी मांगे थी इस बस दुर्घटना में, जो भी डिमांड थी, एक भी विषय पे सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया और अधिकारी कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया गया। जब एमपी विधानसभा में बजट सत्र के छठवें दिन सदन में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूलने का मामला भी उठा। बीजेपी के विधायक बहादुर सिंह चौहान ने फीस को लेकर मामला उठाया तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जवाब देते हुए कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि स्कूल ऐसा करता है तो कलेक्टर को शिकायत करें और फीस ना देने पर परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं स्कूल। आज ही सारे कलेक्टर्स को आदेश जारी करेंगे। बता दें कि महितपुर के माँ वैष्णो कॉन्वेंट स्कूल और भारतीय माध्यमिक विद्यालय की मान्यता खत्म होगी। पीएम मोदी के टीकाकरण को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाकर लोगों के मन को मजबूत किया है। गृहमंत्री ने 60 साल से अधिक उम्र के लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की। इस दौरान सदन में पक्ष विपक्ष के बीच हास परिहास भी देखने को मिला। वहीं बजट सत्र के छठवें दिन सदन में फॉरेस्ट की जमीन पर नाली बनाने का मामला भी गूंजा। दरअसल कटनी के बड़वारा में बमहौरी गांव की फॉरेस्ट जमीन पर नाली बनवाई गई है। इसके मुद्दे को विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने उठाया।
उनके सवाल पर वन मंत्री विजय शाह ने जांच का आश्वासन दिया। वन मंत्री ने कहा कि मामले में दोषी सरपंच और सचिव की गिरफ्तारी होगी। तो विधानसभा में आज के दिन क्या कुछ खास रहा उसे हम जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता विजय मार्गी का। विजय, आज पूरे दिन आपने इस कार्रवाई को कवर किया है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास रहा आज और कौन कौन से मुद्दे थे जो सदन में गूंजे हैं। देखिए सुमित, आज जो महत्वपूर्ण चर्चा जो हुई है, स्थगन प्रस्ताव सीधी बस हादसे को लेकर दिया गया था, उस पर करीब 4 से 5 घंटे तक चर्चा हुई। चूँकि मामला बड़ा था और इस पर कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, करीब 10 से 12 विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और इसी वजह से पिछले कई दिनों से, जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र, तब से लेकर कांग्रेस इस बात को सदन में उठाती रही है और अध्यक्ष से अनुरोध करती रही कि इस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन जो हुआ वो नतीजा सामने है। कांग्रेस ने आखिरकार जब चर्चा खत्म हुई तो ये कहते हुए सदन से वॉकआउट किया कि सरकार का जो जवाब आया है वो उससे असंतुष्ट है। इस पूरे मसले पर चर्चा के दौरान 2-3 चीज़ें सामने आई, जिसपे डॉक्टर गोविंद सिंह ने सुझाव दिया कि जो 50 सीटर क्षमता वाली बसें हैं उन्हें लंबी रूट का परमिट न दिया जाए, लंबी दूरी का परमिट न दिया जाए, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। क्योंकि जो बस हादसा हुआ था उसमें 32 सीटर बस थी और उसमें 61 से ज़्यादा यात्री सवार थे और इसी वजह से जो ओवरलोड थी और उसकी वजह से, और संगरौली से माफ़ कीजिएगा सीधी से वो सतना जा रही थी क्योंकि उसमें परीक्षार्थी थे जिन्हें परीक्षा देनी थी और इसी वजह से इतनी लंबी दूरी की जो बस है और वो भी 32 सीटर थी जिसमें ज़्यादा क्षमता थी, तो ऐसा ना किया जाए। साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी परिवहन कार्यालय खोले जाए ताकि परिवहन अमला चेक कर सके कि ऐसे जो ओवरलोडिंग होती है बसों में तो उसको चेक करने के लिए अमले की भर्ती की जाए, ये भी सुझाव था। लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो उससे विपक्ष असंतुष्ट था। सरकार ने ये कहा, खासतौर पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रखा और ये कहा कि जो ड्राइवर था उसकी गलती थी और ड्राइवर को जो रूट निर्धारित था उस रूट से ही बस को ले जाना चाहिए था। छुईया घाटी पर लगातार जाम लगने का मामला भी विपक्ष के सदस्यों ने उठाया कि पुलिस ने खुद और जिला प्रशासन ने लिख के दिया था कि 4 दिनों से वहाँ जो ट्रैफिक था वो बाधित हो रहा था और इसी वजह से ड्राइवर बस का रूट चेंज करके वहाँ से ले गया। इसके बाद भी परिवहन मंत्री ने कहा कि भले ही वहाँ काम चल रहा था लेकिन ड्राइवर को अपना रूट बदलना नहीं चाहिए था और ये पूरी लापरवाही ड्राइवर की थी, जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो एक बड़ा मसला ये था विधानसभा में। दूसरा, प्रश्नकाल के दौरान एक तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस वसूलने का मुद्दा है कोरोना काल में वो भी उठा, उसमें कई सारे सदस्यों ने ये कहा कि ये पूरे प्रदेश का मामला है जिसमें प्राइवेट स्कूल लगातार ट्यूशन फीस के अलावा भी बाकी मदों में फीस वसूल रहे हैं, इसे रोका जाए। तो शिक्षा मंत्री ने ज़रूर सदन को आश्वस्त किया कि आज ही वो फिर से आदेश जारी करेंगे और यदि कोई पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं तो वो कलेक्टर को शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा 7 विधेयक जो सुमित हैं वो पेश हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण धर्म स्वातंत्र विधेयक भी पेश हुआ है, हालांकि उस पर चर्चा नहीं हुई है, वो पारित नहीं हुआ है। लेकिन बाकी के जो विधेयक थे, एक तो निजी विश्वविद्यालय विधेयक था और अंबेडकर विश्वविद्यालय, महू विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय से जुड़े विधेयक थे वो सबके सब पारित हो गए। और सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि अब पदनाम जो है जिला न्यायाधीशों के वो बदल दिए जाएंगे, प्रधान जिला न्यायाधीश कहलाए जाएंगे, तो ये विधेयक महत्वपूर्ण थे। तो आज का जो जिसे हम कहेंगे कि बिजनेस था विधानसभा का, जो पूरी कार्यसूची थी वो ज़रूर उस पर काम हुआ है। आज विधानसभा में बहुत से शासकीय और अशासकीय काम पूरे किए गए हैं। ठीक है विजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो सीधी बस हादसे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस भी हुई, वॉकआउट भी कर गया विपक्ष इस पर, और प्राइवेट स्कूलों की फीस का मामला भी उठा। 7 विधेयक पेश किए गए, हालांकि धर्म स्वतंत्र विधेयक पेश किया है, लेकिन चर्चा होगी उस पर, चर्चा होना अभी बाकी है।